हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हिप्पी हील्स पर। और आज की वीडियो पार्ट वन का कॉन्टिन्यूएशन होने वाली है, जो मैंने अभी अभी वीडियो कल जारी की थी, जिसमें कि मैंने दिखाया है कि जो मैंने अमेज़ॉन से प्रोडक्ट मंगवाए थे मोटो ब्लॉगिंग के लिए, और जिसमें कि एक माइक्रोफोन था और उसके बाद में एक एडोफी का चिन माउंट मैंने लिया था। ये लिया जाता है ताकि हम अपने व्यूअर्स को, अपने ऑडियंस को, जो हम जहाँ जहाँ पे भी बाइकर जाता है, राइडर जाता है, जो वो देखता है वो चीज़ वो अपने ऑडियंस को भी दिखा सके, और अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशनल्स को अपने ऑडियंस के साथ, जो उसे प्यार करते हैं, उनके साथ में शेयर कर सके। चलिए दोस्तों, आज भी ये वीडियो जो होने जा रही है, ये एक पार्ट टू होने जा रही है, ये कॉन्टिन्यूएशन है पार्ट वन का। और आज मैं दिखाने जा रहा हूँ वो हेलमेट, जो नया हेलमेट मैंने लिया है, स्टड्स शिफ्टर का D4 सीरीज़, और उसके ऊपर मैंने चिन माउंट यहाँ पे लगाएंगे। चिन माउंट होता है, यहाँ लगता है चिन पे। और वो क्वालिटी मैंने चेक की है कि जो मैंने प्रोडक्ट मंगवाए थे उनको मैंने बाइक चला के देखा, माइक्रोफोन को, जो हेलमेट होता है स्टड्स शिफ्टर जो हेलमेट है उसमें जो उसकी पैडिंग आती है वो डिटैचेबल आती है और वॉशिंग वाली आती है, उसको हम अलग भी निकाल के धो के दोबारा से लगा सकते हैं, और वो चटकनियाँ होती हैं उससे वो चिपक जाती है और पैडिंग निकल जाती है। उन्हीं पैडिंग को निकालने के लिए बाद में ही वो जो माइक होता है वो उसके पीछे से छुपाया जाता है और सही जगह पे रखा जाता है, यहाँ इधर रखा जाता है, पैडिंग में छुपा दिया जाता है अंदर। तो चलिए दोस्तों, मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको, और हम ट्रायल भी करेंगे बाइक पे जाके। मेरी जो हिमालयन है इस पे जाके मैं ट्रायल लूँगा, मेरी मोटो व्लॉगिंग जब मैं निकलूँगा अपनी राइड पे, तो उसके बाद में मेरा एक्सपीरियंस ख़राब नहीं होना चाहिए, तो जितनी भी चेकिंग करनी है वो हम शुरू में ही कर लेंगे। चलिए गाइस, चलिए हेलमेट दिखाता हूँ आपको, और उसके बाद में उसमें जो माइक और उस पर जो मैंने चिन माउंट लगाया है, और उसके बाद बाइक राइड करके देखेंगे, प्रॉपर प्रैक्टिकल करेंगे आज। चलिए तो गाइस, ये है मेरा स्टड्स का हेलमेट, और इसमें डबल वाइज़र दिए हुए हैं। ये एक वाइज़र है, ये प्लेन मैंने लिया है, ये क्रोम में भी आता है, टिंटेड ग्लास आता है, तो वो उसको दिन में तो सही रहता है लेकिन रात में चलाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, दिखाई नहीं देता, इसलिए इसका प्लेन होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में अंदर एक सेकेंड वाइज़र है, ये है ब्लैक टिंटेड वाइज़र, ये आँखों को प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रा वायलेट रेड से, सूरज में जब आंखें बहुत ज़्यादा सूरज होता है तो आंखें भिजने लग जाती है, उसके लिए ये है। ये भी सेकंड, ये दूसरा वाइज़र है, ठीक है। और ये जो वाइज़र है इसको यहाँ से हम खोलेंगे, ये वाली जो पिन है इसको मैं खींच दूँगा, अगर ये दोनों तरफ दी हुई है तो इसको खींचते ही ये वाइज़र बाहर आ जाएगा। ये जो हेलमेट है ये स्टड्स का शिफ्टर D4 सीरीज़ है, इसमें दो वेंट यहाँ पर दिए हुए हैं ऊपर, इनको हम खोल सकते हैं ये ऐसे, और यहाँ से हवा पास होगी। आपके बालों में अगर गर्मी में चलाते हुए बाइक को पसीना आता है बालों में, तो ये उसके लिए ठीक रहता है, और ज़्यादा देर चलाते चलाते फिर सर में दर्द नहीं होगा, नहीं तो काफ़ी सारे इश्यूज़ आते हैं। उसी तरीके से अगर मैं इसको ओपन करता हूँ वाइज़र को, तो इसके अंदर की जो पैडिंग है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत ही कोजी कम्फर्टेबल है, सारी पैडिंग डिटैचेबल है अंदर, और ये कुशन इसका जो क्वालिटी है वो दिखाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ आपको। ये सारी पैडिंग डिटैचेबल होती है, यहाँ इसको खोलेंगे, अभी मैं खोल के दिखाता हूँ, और इसमें माइक डाल के दिखाते हैं कैसे डालते हैं। तो यार चलो ये दिखाता हूँ इसकी पैडिंग कैसे रिमूव करते हैं। यहाँ पे ये स्टार्टिंग में ही अंदर से ही निकालेंगे, देखो ये ऐसे यहाँ पे चटकनियाँ दी होती हैं, और ये चटकनियाँ, तीन चटकनियाँ दी होती हैं, ये निकल गया। उसी तरीके से इसकी पैडिंग भी निकल जाएगी, ये दोनों यहाँ से अंदर फिट हो जाता है, और ये ऐसे पैडिंग निकल गई है, ये वॉशेबल पैडिंग होती है, अगर अब गंदा हो जाए तो इसको धो सकते हैं। इसी तरीके से ये सारा मैंने माइक अंदर फिट किया हुआ है, और पीछे वाली पैडिंग भी, ये वाली जो पैडिंग है ये भी ऐसी निकल जाएगी, ये चटकनी निकल गई और ये निकल गई, ये पूरा हमने खोल दिया इसको। ये देखिए जो वायर का मैक्सिमम पार्ट है वो सारा पीछे दबा दिया गया है, और बाकी इधर से एडेप्टर एक तरफ निकल जाएगा, और एक तरफ से माइक निकल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये चटकनी दी हुई है, ये देखिए ये चटकनी सी दिख रही है, ये दिख रही है, और वहाँ पे ये फिट हो जाती है। इसी तरीके से आगे भी होती है, ये दूसरी है और ये बाहर निकल जाता है, ये तीन इसमें चटकनियाँ दी हुई हैं। और इसी तरीके से इसको हम निकाल के जब गंदा हो जाएगा तो इसको वॉश भी कर सकते हैं। तो गाइस, ये जो एडोफी का मैंने स्ट्रैप चेन माउंट लिया था, इसको मैंने यहाँ पे, ये स्ट्रैप्स जा रहे हैं दोनों तरफ से, और अंदर से मैंने इसको पेस्ट कर दिया है, यहाँ से एक नीचे से जाएगा और यही चीज़ आके चिपक जाती है। ये देखिए ऐसे। तो गाइस, अब टाइम आ गया है कि इस माइक का और इस चिन माउंट का और मेरी गोप्रो का, तीनों की क्वालिटी और कैसा है इनका मामला चेक करने का टाइम आ गया है।
ये मैं अपना छतरपुर रेड लाइट क्रॉस कर रहा हूँ और देखते हैं यहाँ पे, अभी थोड़ा ध्यान से चलाना पड़ेगा, पहली पहली बार है तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक रहता ही है। ये पठानकोट की तरफ रोड जा रहा है, ये अपना आ गया तिवोली गार्डन। तो आज फर्स्ट मोटो व्लॉगिंग हो रही है और अभी सिर्फ मैं जो है इसका माउनो का जो माइक है उसको चेक कर रहा हूँ और गोप्रो की क्वालिटी को चेक कर रहा हूँ कैसी आ रही है क्वालिटी। फर्स्ट टाइम लगा के देख रहे हैं तो इसको अभी हम दिखाएंगे आपको, सीधा खोल के जब देखेंगे लैपटॉप मोबाइल में तब पता चलेगा कैसा मामला आ रहा है, कितनी फुटेज आ रही है। वीडियो वैसे अच्छा लग रहा है मेरे को, जितना मेरे को सब जैसे मैं चला रहा हूँ यहाँ से बाइक चलाते चलाते मेरे को, मैं हिमालयन पे बैठा हूँ इस टाइम, मैंने स्टड्स का शिफ्टर लगाया है हेलमेट, उसके ऊपर मैंने एडोफी का टेलेसिन का चिन माउंट आता है, चिन माउंट के ऊपर मैंने गोप्रो का अपना गोप्रो कैमरा लगाया। तो ऐसा मतलब ये कैमरा, ये व्यू जो सामने आता है हेलमेट के सामने, हमारी आंखों के सामने जो व्यू होता है, तो ये कैमरा जो है ना ये थोड़ा सा आगे हटता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है किसी को, लेकिन हालत बढ़ जाती है, ऐसा कुछ है नहीं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो वो करते हैं ना ऐसे, एक और एक बार मैं ये भी करूँगा, दोनों हाथ छोड़ के ना ऐसे दिखाते हैं, ये देखो ये देखो। हे गाइस कैसे हो आप लोग, विजर मैंने बंद कर दिया है हेलमेट का, अभी बिल्कुल पैक है, मेरी आवाज़ मुझको थोड़ी ज़्यादा सुनाई दे रही है, लेकिन बहुत ही मज़ा आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है यार, मतलब सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है। अब यहाँ से मैं यू टर्न दे देता हूँ, ये मैं तिवोली से थोड़ा सा आगे तक आ गया था तो देखते हैं, क्योंकि हेलमेट की पोजीशन और कैसी है, कैसा मेरे को पहनने में कंफर्टेबल है, उसके बाद में कितना यहाँ पे आगे पीछे ऊपर नीचे कैसे हो रहा है, कैमरा प्रॉपर दिखा पा रहा है या नहीं दिखा पा रहा है और कितना दिखा पा रहा है, तो वो सारी बातें होती हैं। अभी जाके ना देखना पड़ेगा यार, सीरियसली इसमें तो बहुत सारी बैटरीज खर्च हो जाएंगी, मेरा तो मुँह रुक ही नहीं रहा है बोलते बोलते, इतना मज़ा आ रहा है। हे गाइस कैसे हैं आप लोग, यार मेरे को कुछ काम आ गया था तो निकलना पड़ा और अभी मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, फुल लगा हुआ है जैम दिल्ली में। चलो बात करते हैं अपनी पिछली जो अभी आपने क्लिप्स देखी हैं, तो यार मैं बताऊँ कि मेरे को जो माइक है माउनो का माइक है वो भी पसंद आया, 90% मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ, और उसके अलावा जो एडोफी का स्ट्रैप चिन माउंट था अपग्रेडेड वर्जन, वो भी वाकई में काबिले तारीफ है, उसने काफ़ी अच्छा काम किया, वीडियो को शेक नहीं होने दिया, क्वालिटी बहुत अच्छी आई है गोप्रो की। और उसके बाद जो हेलमेट मैंने नया लिया था शिफ्टर D4 सीरीज़, उससे भी मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ, मेरे को एग्जैक्टली वैसा ही नियॉन कलर मिला जैसा मुझे चाहिए था, और फाइनली अब मैं मोटो व्लॉगिंग करने के लिए रेडी हूँ। आपको कैसा लगा, आपको साउंड क्वालिटी कैसी लगी और वीडियो क्वालिटी कैसी लगी, इसकी आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। प्लस आप किसी भी राइडर को अगर जानते हैं जिनको बाइकर्स और राइडर्स होते हैं जो ट्रिप्स मारते रहते हैं, तो ज़रूर मेरी वीडियो उनके साथ भी शेयर कीजिएगा, और आई एम श्योर ज़रूर मेरी वीडियो उनके लिए भी और सभी के लिए हेल्पफुल होगी जो लोग अपना ट्रैवल व्लॉगिंग करना चाहते हैं, मोटो व्लॉगिंग करना चाहते हैं बाइक्स के साथ में और अपनी जो भी है अपनी फैंसीज एडवेंचर्स जर्नी को पूरा करना चाहते हैं। अगर आप लोग ये प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप ये प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। चलिए गाइस मिलते हैं जल्दी एक नई मोटो व्लॉगिंग जर्नी के साथ में, और नए नए अच्छे अच्छे व्लॉग्स दिखाने जा रहे हैं आपको, बने रहिए। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।